हेपेटाइटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज हेपेटाइटिस? इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। हेपा मीन्स लिवर, टाइटस जैसे इन्फेक्शन को कह रहे हैं। अब क्या इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर? अब व्हाट इज इन्फ्लामेशन, क्या होता है इन्फ्लामेशन? बेसिकली कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यू, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यू टू इंजरी और इन्फेक्शन। देखें इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे बॉडी टिश्यू रिस्पॉन्स देते हैं, वहां पर रेडनेस हो जाती है, वहां पर आपको जलन होती है, रेडनेस हो जाती है। तो वो आपके बॉडी टिश्यू जब किसी इंजरी को रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है किसी जगह, जिसको हम उर्दू में आप सूजन कहते हो। तो लिवर की जो इन्फ्लामेशन होती है, लिवर की जो ये सोजिश, सोजिश कहते हैं आई थिंक, सोजिश, सोजिश जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। सिंपली व्हाट इज हेपेटाइटिस? इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। लिवर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। और इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब आपके बॉडी टिश्यू किसी इंजरी या किसी इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं या जिसको हम सोजिश कहते हैं। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं कि ये हेपेटाइटिस की वजह क्या होती है, यानी लिवर की इन्फ्लामेशन की वजह क्या होती है, लिवर की इन्फ्लामेशन किस वजह से हो सकती है। अगर हम काज देखें कि हेपेटाइटिस का जो है वो काज क्या है, किस वजह से हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस की जो वजह हो सकती है, जो इसका काज हो सकता है, मतलब लिवर इन्फ्लामेशन का जो काज हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यानी अगर आपको कोई वायरस इन्फेक्ट करे, यानी लिवर के ऊपर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो इन्फ्लामेशन आ सकती है, या कोई टॉक्सिक एजेंट ऑफ ड्रग, बाज दफा हम ड्रग्स, कोई मेडिसिन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं, तो उस मेडिसिन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी हमारे लिवर को डैमेज कर सकती है, या वो भी हमारे लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन काज कर सकती है। कहें तो ये वो क्या काज कर सकती है, हेपेटाइटिस काज कर सकती है। तो काज जो होता है हेपेटाइटिस का, वायरल इन्फेक्शन होता है, और दूसरा जो इसका मेन काज है वो क्या है, टॉक्सिक एजेंट ऑफ ड्रग्स। अच्छा, इसके बाद अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो हम हेपेटाइटिस को कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? कैरेक्टराइज मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हेपेटाइटिस अगर हो जाता है तो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अगर हम हेपेटाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स में सबसे पहला तो सिम्टम्स हेपेटाइटिस का होता है जिसमें जॉन्डिक्स हो जाता है। जॉन्डिक्स जिसको हम पीलिया कहते हैं, सिंधी में साई कहते हैं, या पीलिया जिसमें आईज जो है वो येलो हो जाती हैं, एक तो उसके सिम्टम के अंदर इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, या जो इसकी अलामत होती है हेपेटाइटिस की उसमें एक जॉन्डिक्स है। जॉन्डिक्स के अलावा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी होता है, जाहिर सी बात है हमारा जो लिवर है वो भी हमारे बेली रीजन ही की तरफ है, तो उसमें कोई इन्फ्लामेशन होती है तो जो पेन होता है तो वहां पर आपको एब्डोमिनल पेन जो है वो फील होता है। और लिवर के जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, जब वो सूज जाता है, तो उसकी वजह से लिवर की क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट भी हो जाती है, यानी लिवर अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे लिवर इनलार्जमेंट। जिस बंदे को हेपेटाइटिस होती है उसको वो फटीग भी फील करता है। फटीग मतलब क्या होता है, थकान फील करता है, वो टाइट जो है वो अपने आप को फील करता है। इसके अलावा इन सम टाइम फीवर, और हेपेटाइटिस में जो है वो क्या होता है, सम टाइम जो है वो फीवर भी फील होता है। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बाय विच यू कैन कैरेक्टराइज हेपेटाइटिस। दीज आर द जॉन्डिक्स, एब्डोमिनल पेन, लिवर इनलार्जमेंट, फटीग एंड फीवर। ये चीजें अक्सर एक साथ होती हैं, तो अक्सर ऐसे लोगों को क्या डायग्नोज होता है, अक्सर ऐसे लोगों को हेपेटाइटिस डायग्नोज हो जाता है। तो उसके बाद हम अगर बात करें कि हेपेटाइटिस जो है वो नॉर्मली कितने टाइप्स के होते हैं, सिम्टम्स सबके एक ही जैसे होते हैं ज्यादातर, लेकिन हेपेटाइटिस के जो है ना डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। अब टाइप्स की, हेपेटाइटिस की जो टाइप्स हैं, यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, अगर हम हेपेटाइटिस की जो है वो टाइप्स देखें तो हेपेटाइटिस की टाइप में एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये सारे हेपेटाइटिस की टाइप हैं, लेकिन ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी हैं। तो इसी वजह से आपकी बुक में भी कौन से इन तीन हेपेटाइटिस को डिस्कस किया गया है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा वाला हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए की। सबसे पहले तो इसका काज देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो काज कौन करता है, यानी किसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। हेपेटाइटिस ए जिस वायरस की वजह से होता है उस वायरस को हम कहते हैं एच ए वी, यानी हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एच ए वी। एच ए वी हम किसको कह रहे हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस। और हेपेटाइटिस ए वायरस को अगर हम देखें कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो वायरस के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एनवेलप वायरस है, एनवेलप, ये एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो एनवेलप वायरस में आपको बता चुका हूँ, प्लस स्ट्रैंड भी बता चुका हूँ और आरएनए वायरस भी बता चुका हूँ। नॉर्मली आप याद रखें कि ये एनवेलप है और ये आरएनए वायरस है। हमें पता है कि एनवेलप वायरस कौन सा वायरस होता है, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन से जिसका कैप्सिड एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, उस वायरस को हम कहते हैं एनवेलप वायरस। और हम इसको जो है वो आरएनए वायरस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो जीनोम है वो किसका है, उसमें क्या मौजूद है, उसमें आरएनए मौजूद है। और इसको प्लस स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं, प्लस स्ट्रैंड इस वजह से कह रहे हैं कि इस वायरस को मैसेंजर आरएनए की बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करता है, तो इस वजह से इसको हम प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कह रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि ये हेपेटाइटिस ए किसके जरिए ट्रांसमिशन होती है, यानी कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे में इसकी ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफर कैसे हो जाता है, ये फैलता कैसे है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए की जो ट्रांसमिशन है नॉर्मली, जो आपकी ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, वो किस तरह से, कॉन्टेक्ट विद फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जिस बंदे को हेपेटाइटिस ए है, अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस ए है तो उसकी फीसिस में, फीसिस मीन्स उसका जो स्टूल है, फीसिस हम किसको कह रहे हैं, उसके व्हाट इज फीसिस, स्टूल, जो उसका स्टूल है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, उसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद होता है। तो उसका स्टूल जो होता है या जो उसकी फीसिस होती है, उस फीसिस के कॉन्टेक्ट में अगर हेल्दी इंडिविजुअल आ जाए तो उसको भी क्या हो जाएगा, उसको भी हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। अब उसके फीसिस के कॉन्टेक्ट में हेल्दी इंडिविजुअल कैसे आ सकता है, कि अगर हेपेटाइटिस ए का जो पेशेंट है या पर्सन जो है वो टॉयलेट यूज कर या वॉशरूम यूज कर वो अपने हैंड वॉश नहीं करता और उन्हीं बगैर वॉश किए हुए हैंड से किसी खाने को हाथ लगा देता है और उसी खाने को कोई दूसरा बंदा खा लेता है, तो दूसरा बंदा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के फीसिस के एक तरीके से उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और ये हेपेटाइटिस ए जो है वो उस बंदे से दूसरे बंदे में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से ही हेपेटाइटिस ए ट्रांसफर होता है। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि हेपेटाइटिस ए इतना ज्यादा क्रॉनिक नहीं है, इतना लॉन्ग लास्टिक नहीं है, ये थोड़े अरसे के लिए होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। और एक और अच्छी चीज ये है कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन या वैक्सीन अवेलेबल, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसकी वैक्सीन करवा लें तो फिर हेपेटाइटिस ए नहीं होता। यही इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में हेपेटाइटिस ए की दी हुई है, तो हम भी इसी इन्फॉर्मेशन तक रहेंगे। अब हम दूसरे वायरस की तरफ, दूसरे हेपेटाइटिस की तरफ जाते हैं, जो क्या है, जो है हेपेटाइटिस बी। चलें अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी का भी हम काज देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी काज कौन करता है। तो यहां मैं हेडिंग दे देता हूं, हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी का जो है वो सबसे पहले काज देख लेते हैं कि इसको कौन सा वायरस काज करता है। तो हेपेटाइटिस बी काज करने वाला जो वायरस है उस वायरस को हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस काज करने वाले, बी काज करने वाले इसके लिए इसको हम कहेंगे एच बी वी, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। अब थोड़ी सी हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ये बेसिकली डीएनए वायरस है। अच्छा एक और चीज जो मुझे आपको आगे बतानी होगी कि हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। जी जी पूछें सर, आपकी वॉइस बहुत कट रही है।
मेरी वॉइस कट रही है, अभी साफ आ रही है? अब साफ आ रही है सर, बीच बीच में थोड़ी कट रही है। अच्छा चलें चलें, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक जगह पे रखने की माइक को। अच्छा ये क्या है, ये है, इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं, लेकिन इसका काज क्या है हेपेटाइटिस बी का, वो है एचपीवी। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से ये काज होता है। अच्छा हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा है, ये डीएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस नहीं है। कौन सा वायरस है, ये डीएनए वायरस है। और नॉर्म हम इसको कहते हैं अनयूजुअल डीएनए वायरस, यानी आम डीएनए वायरस से ये हटकर है। क्यों ये आम डीएनए वायरस से हटकर है, क्योंकि इसका जो डीएनए होता है, इसका डीएनए पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसका डीएनए पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है, ये देखें, ये हेपेटाइटिस बी का अगर वायरस है तो उसके पास जो डीएनए है, अब ये इसका डीएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, लेकिन अब देखें इसका डीएनए सिर्फ यहां तक डबल स्ट्रैंडेड है, पूरा डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, इस जगह तक ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो इस वजह से इसके वायरस को क्या कहा जाता है, इसके वायरस को कहा जा रहा है, इसका वायरस पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। तो कहा जा रहा है इसका डीएनए जो है, सॉरी वायरस नहीं, इसका डीएनए जो है वो क्या होता है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड। देखें ये डीएनए जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड, ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड है। ऐसे अगर मैं बना दूं तो ये कंप्लीट क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन ये जो मैं दूसरा डीएनए बना रहा हूं, ये देखें, ये डीएनए जो है वो क्या है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है, यानी यहां तक तो ये डबल स्ट्रैंडेड है और इस जगह पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा एक और भी चीज जो इस वायरस में डिफरेंट होती है, इसमें दो प्रोटीन होते हैं, दो किस्म के सरफेस प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन वो होता है जिसको सरफेस प्रोटीन कहते हैं, दो किस्म के कैप्सिड होते हैं, एक तरीके से बात कर लें तो दो किस्म के कैप्सिड होते हैं, एक को हम कहते हैं सरफेस प्रोटीन और एक को हम कहते हैं कोर प्रोटीन। अब देखें मैं यहाँ हेपेटाइटिस बी की जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस बी है। इस हेपेटाइटिस बी में जो है ऊपर की तरफ जो प्रोटीन है, ये ऊपर की तरफ जो ये प्रोटीन इसके ऊपर कवर्ड है, इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरफेस प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरफेस प्रोटीन। और एक प्रोटीन इसके अंदर भी होता है, एक प्रोटीन इस सरफेस प्रोटीन के अंदर भी एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर प्रोटीन। अब फॉर एग्जांपल मैं जो सरफेस प्रोटीन है यहां पर, इस सरफेस प्रोटीन को मैं कलर दे देता हूं, ये जो ऊपर मैंने पिंक कलर ये जो दिया हुआ है, फ्रोजिसा जो कलर दिया है ये पिंक, ये कौन सा प्रोटीन है, ये है सरफेस प्रोटीन, सबसे ऊपर वाला प्रोटीन सरफेस प्रोटीन है। और दूसरा जो है वो अंदर की तरफ ये जो ब्लू कलर दे रहा हूं, ये कौन सा प्रोटीन है, ये है कोर प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन हो गया, अंदर की तरफ ये ब्लू कलर का ये कोर प्रोटीन है। और इस कोर प्रोटीन के अंदर क्या होता है, इसके कोर प्रोटीन के अंदर इसका पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा इसके पास जो है वो एक एंजाइम भी मौजूद होता है, ग्रीन कलर का शो कर रहा हूँ, एक पॉलीमरेज एंजाइम भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो थोड़ी सी आपकी बुक में बताया भी गया है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हेपेटाइटिस बी की, बी वायरस की स्ट्रक्चर बताई गई है, तो कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस बी है, स्मॉल सर्कुलर इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ पार्शियली बट नॉट कम्प्लीटली जो है वो इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मैंने उस डीएनए को ऐसे बनाया है लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन वो उसके पास जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर होता है, इस तरह से मैंने उसको स्ट्रेट बना दिया है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये हेपेटाइटिस जो है वो बी जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में हेपेटाइटिस बी की जो है वो ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, तो हेपेटाइटिस बी की जो ट्रांसमिशन होती है वो नॉर्मली उसी तरह से, जिस तरह से ज्यादातर तो वही है जो एड्स का, एड्स की जिस तरीके से ट्रांसमिशन होती है, कि ब्लड के जरिए भी, यानी इन्फेक्टेड जो ब्लड है, अगर किसी कोई बंदा इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफर हो जाए किसी को, तो उसके जरिए भी ट्रांसफर हो जाएगा ये हेपेटाइटिस बी, सिरिंजेस के जरिए ट्रांसफर हो या ब्लड ट्रांसफर करने के जरिए ट्रांसफर हो, नीडल्स के जरिए ट्रांसफर हो तो भी ये ट्रांसफर हो जाएगा।
और इसके अलावा ये जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए भी ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा सलाइवा, कुछ कुछ स्टडीज में कहा जाता है सलाइवा यानी थूक के जरिए भी जो है ये ट्रांसफर हो सकता है। इन तमाम चीजों से जो है हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी दुनिया का वर्ल्ड वाइड जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम है। कोई कई मिलियन पीपल दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो क्या हैं, जो बेसिकली जो है वो कैरियर हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है कि उनके पास डीएनए, उनके पास वायरस है लेकिन वो वायरस क्या है, एक्टिव नहीं है। अच्छा, आपकी बुक में अगर देखें हेपेटाइटिस बी के साथ बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो अफ्रीकन में होता है, एशियन में होता है। तो ये चीजें आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ हेपेटाइटिस बी के हवाले से। आपने सिर्फ इन्हीं चीजों पर क्या करना है, आपने इन्हीं चीजों पर फोकस करना है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा वायरस जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हेपेटाइटिस सी। बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है हेपेटाइटिस सी। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं हेपेटाइटिस बी को, एक बात मुझे बतानी थी कि सीरम हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी को क्यों कह रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। एक बात मुझे ये बतानी है कि हेपेटाइटिस बी के वायरस को जो है वो सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं। ये देखें, इसको सीरम हेपेटाइटिस क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये सीरम क्या होता है, सीरम हम कहते हैं किसको है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये सीरम हम किसको कहते हैं, ये ब्लड सीरम जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं ब्लड सीरम की, ये ब्लड सीरम होता क्या है, सीरम जो है वो किसको कहते हैं। ब्लड सीरम, ब्लड सीरम बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी इंसान का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं, यानी किसी टेस्ट ट्यूब में आप रखकर ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ब्लड के पार्ट के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, उसको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने में सबसे नीचे तो इरिथ्रोसाइट्स आ जाएंगे, आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे नीचे की तरफ जो है वो क्या आ जाएंगे, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द आरबीसीज। ये हम किसको कहते हैं, ये आरबीसीज को कहते हैं। फिर इरिथ्रोसाइट के बाद सबसे ऊपर की तरफ जो है वो इसका फ्लूइड पार्ट आ जाएगा, ब्लड का फ्लूइड पार्ट आ जाएगा जिसको मैं येलो से शो कर रहा हूं। जो सबसे ऊपर जो फ्लूइड पार्ट आएगा, जो सबसे जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, ऊपर वाला जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, इस फ्लूइड पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये जो फ्लूइड पार्ट होता है ये क्या होता है, ये प्लाज्मा। और बीच में ये जो पार्ट, बीच का जो एरिया होता है, ये सेंटर में जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का जो बीच में एरिया है, ये जगह, इस व्हाइट वाले पोर्शन में क्या होता है, इस व्हाइट वाले पोर्शन में WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। यानी ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने से, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, डेंसिटी की बुनियाद पर चीजों को आप सेपरेट करते हो। तो इरिथ्रोसाइट जो होते हैं, आरबीसी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, वो नीचे बैठ जाएंगे, WBCs उससे ऊपर आ जाएंगे, उनकी डेंसिटी उससे थोड़ी सी कम होती है, और WBCs और प्लेटलेट, और सबसे ऊपर जो लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर। इस प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर, या उनको हम कहते हैं फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन, या इनको हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर। यह हमारे खून को जमने में मदद देते हैं, यानी आप ब्लड को क्लोट कर देते हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं इस प्लाज्मा को निकाल लेता हूं दूसरी टेस्ट ट्यूब में, इस प्लाज्मा को मैंने निकाल लिया किसमें, दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और इस प्लाज्मा को भी जब मैं, इस प्लाज्मा को भी जब मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा, तो इस प्लाज्मा में क्या होगा कि इस प्लाज्मा में से जो एक पार्ट तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो क्लोटिंग फैक्टर थे फिब्रिनोजिन वो कहाँ बैठ जाएंगे, क्लोटिंग फैक्टर जो प्रोटीन है वो फिब्रिनोजिन कहाँ आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। वो कहाँ गए, ये नीचे आ गए, इस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजिन नीचे आ गए यानी क्लोटिंग फैक्टर, और बाकी जो मटेरियल ऊपर आया इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेरम कहेंगे। अब इसको मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाल लेता हूं, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने जो लिक्विड निकाला है ये, इस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेरम।
सीरम बेसिकली क्या है, सीरम आप कह सकते हो कि प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, यानी जब प्लाज्मा में से आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल दोगे, फिब्रिनोजिन निकाल दोगे जो ब्लड को क्लोट में हेल्प करते हैं, जब क्लोटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो बाकी जो लिक्विड बचता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीरम कहते हैं। और जब हम हेपेटाइटिस का टेस्ट कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो वायरस के जो एंटीजन होते हैं, हेपेटाइटिस बी के वायरस के जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो इस सीरम में मौजूद होते हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है वो जब टेस्ट कराएगा तो बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर किस चीज का टेस्ट करेंगे, उसके सीरम का टेस्ट करेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के जो वायरस के एंटीजन है, जो प्रोटीन है, वो कहाँ मौजूद होते हैं, सीरम में। अगर किसी के सीरम में हेपेटाइटिस बी के वायरस के एंटीजन मौजूद हैं तो उसका हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो वो हेपेटाइटिस क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो इसी वजह से हेपेटाइटिस बी के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। एक्सप्लेन तो नहीं किया गया आपकी बुक में जो है इसको सीरम हेपेटाइटिस क्यों कह रहे हैं, लेकिन लिखा फिर भी गया है कि हेपेटाइटिस बी के साथ कि इसको हम क्या कह रहे हैं, सीरम हेपेटाइटिस कह रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। तो देखो, सीरम मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्लड के अंदर जो है वो होते हैं, एक ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है, जो सेलुलर पार्ट है वो क्या है, वो है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। फिर मैंने आपको कहा जब प्लाज्मा में से आप क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दो, प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दोगे, तो ऐसे प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। ऐसे प्लाज्मा को हम क्या कह रहे हैं, ऐसे प्लाज्मा के लिए हम सीरम का लफ्ज जो है वो यूज करते हैं। एक तो इट वॉज ऑल अबाउट सीरम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो लास्ट हेपेटाइटिस की जो टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। ये अगर आपको तस्वीर लेनी है तो इसकी तस्वीर ले लें, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सीरम के हवाले से जो मैंने पॉइंट्स बताए। अच्छा, इसके बाद जो हम अब आगे लास्ट हेपेटाइटिस की जो टाइप डिस्कस करेंगे वो है हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ आई विल टेल यू अबाउट हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी, हमें पता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो कास करता है वो भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है जिससे हेपेटाइटिस ए रखता है, मतलब ये भी जो है वो अनएनवेलप आरएनए वायरस की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, दोनों की जो है वो ग्रुप सेम ही है। अच्छा, इसके अलावा जो ये ट्रांसमिशन इसकी होती है, सेम इसकी भी ट्रांसमिशन उसी तरह से होती है जैसे एड्स की होती है, या इसकी ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हो सकती है, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड के जरिए भी हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हो सकती है, मदर टू चाइल्ड भी हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस के अंदर मदर टू चाइल्ड जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये ट्रांसफर हो सकता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस, और इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। अब आप देखें, यहाँ पर आपने बायोलॉजी का, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला पोर्शन कम्प्लीट कर लिया, फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक बायोलॉजी का समझ लें, ये फर्स्ट पार्ट है। ये बायोलॉजी का कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। फिर चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक आप पढ़ोगे किंगडम्स, ये कौन सा होगा, ये सेकेंड पार्ट होगा। और चैप्टर नंबर 11 से लेके 14 तक जो है ये कौन सा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट इसके हो गए। तो अब मैं आप मुझसे क्वेश्चंस करें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। जी पूछें सर, ये आपने हेपेटाइटिस ए तो सर एनवेलप प्लस एंड आरएनए वायरस की वजह से हो रहा था, सर हेपेटाइटिस सी तो अनएनवेलप्ड है, इसकी वजह से। एक मिनट, आप कह रहे हो कि हेपेटाइटिस जो है वो ए जो है बेसिकली, नहीं हेपेटाइटिस ए जो है वो, सॉरी ये दोनों ही एनवेलप की वजह से हैं, दोनों ही, उसको भी अनएनवेलप नहीं है, वो भी एनवेलप है, सॉरी मैंने पीछे एनवेलप कर दिया है क्या उसको, हेपेटाइटिस ए को? Yes, दोनों sir. ही एनवेलप, दोनों एनवेलप हैं, वो गलती हो गई होगी मुझसे, एनवेलप हैं दोनों, मुझसे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। वो अनएनवेलप तो रहीनो वायरस है और पोलियो वायरस है,
एनवेलप याद रखिएगा, पोलियो वायरस और रहीनो वायरस है, ये बेसिकली दोनों ही जो है वो एनवेलप वायरस है, ये देख लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सॉरी सी और हेपेटाइटिस ए दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वो ग्रुप ग्रुप कौन सा है, वो है एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। जी इसमें से क्वेश्चन का और कोई है तो सर जैसे ये हेपेटाइटिस बी है तो सर इसके वायरस हमें सीरम में मिलेंगे, तो सर ये जो ए और सी है इनका हमें कैसे पता लगेगा? इनके हम बाज़ार में एंटीबॉडीज का भी चेक करा लेते हैं ना, इनके एंटीबॉडीज होती है, यानी एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, और एंटीबॉडीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिससे ये चेक हो जाता है कि एंटीबॉडीज बनना शुरू, यानी वायरस आपकी बॉडी में आया है तो एंटीबॉडीज बनना इसके खिलाफ शुरू हुई है, तो वो एंटीबॉडीज के जरिए चेक हो जाते हैं अक्सर। हेपेटाइटिस बी को अक्सर हम एंटीजन के जरिए करते हैं। सर इन तीनों हेपेटाइटिस के सिम्टम्स सेम होंगे? जी जी दो तीनों के सेम होते हैं, तीनों के सिम्टम्स सेम होंगे, थोड़ा बहुत फर्क हो तो, वरना तीनों के सेम है।